नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वाला इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पहले से ही कि 11 अप्रैल 2021 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो उसी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने लगे हैं अब एमपीपीएससी के, जो कि 11 जनवरी 2021 से फॉर्म भरे जाने लगे हैं। पोर्टल चालू हो चुका है। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है, आप मोबाइल से ही अपना फॉर्म एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी आप एमपी ऑनलाइन सेंटर पे जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे। आपको 250 रुपये फ़ीस है, उसकी एक्स्ट्रा आपको 100 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। वो फीस आप ना देके आप मोबाइल से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो कैसे, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे और अपने पैसे बचा पाएंगे आप। तो कैसे फॉर्म भरना है, वीडियो को आप देखते रहिए, स्किप मत करिए, प्रॉपर वीडियो आप देखिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से गूगल क्रोम ब्राउज़र जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट .com। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे, आपके सामने सरकारी रिजल्ट .com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आना है और आपको अपना फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है आपको। यहाँ आपको साइड में आपको लेटेस्ट जॉब दिख रहा होगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको जाना है नीचे। इस ऑप्शन में आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा एमपीपीएससी प्री एसएससी एएसएफई ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपको इस प्रकार कहीं भी एक नोटिफिकेशन सा दिखेगा इस प्रकार का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। एमपीपीएससी प्री एसएससी, एसएससी मतलब स्टेट सिविल एग्ज़ाम और सॉरी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम और स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम। आपको इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन देखिएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से पेज ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की पूरी डिटेल आपको आपके सामने आ जाएगी। जो कि आपको नोटिफिकेशन आया था पोस्ट का, वो आया था 29 दिसंबर 2020 को 9:36 पे। पोस्ट अपडेट आई है आज 11 जनवरी 2021 से फॉर्म भरे जाने लगे हैं, जो कि चार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं अपना, जो कि फ़ीस कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जनरल ऑफिस जनरल अदर स्टेट वालों की 540 रुपये है और एमपी सर रिजर्व कैटेगरी वालों की 290 रुपये है, मतलब 250 रुपये फ़ीस है, 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज है। इसके अलावा अभी आपका आपसे 60 रुपये वसूल लिया जाता अलग से आपसे पैसे। तो मतलब लगभग आपका 350 रुपये आपका बैठता है जनरल सॉरी एस सी एस टी वालों का, और पैसा ओ बी सी और जनरल वालों का अलग से पैसा बैठता है 540 और 60-70 रुपये अलग से चार्ज लेगा, ये लेते हैं। लेकिन ये आपको फीस फालतू में पैसा आपको देना नहीं है, केवल आपको 290 रुपये ही आपका चार्ज लगेगा, इससे ज़्यादा चार्ज आपका नहीं लगेगा। हो सके 200-250 रुपये में आपका फॉर्म भी भर सकता है, अगर पोर्टल चार्ज अगर नहीं लगता आपका, ऐसे भी होता है। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, आप अपनी तरीके से अपना पैसा बचा सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे आना है। वैकेंसी की डिटेल आप यहाँ से वैकेंसी की डिटेल भी आप देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी जनरल में है, कितनी ओबीसी में है, कितनी एससी में है, कितनी एसटी में है। यहाँ से आप टोटल वैकेंसी 235 आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना चुका है, उस वीडियो भी आप देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में। और भी हैं यहाँ पे, आप सेंटर तो आपको मालूम ही होगा, हर ज़िले में सेंटर ही होता है, तो ज़िले चूज कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ज़िले देख सकते हैं आपके ज़िले में सेंटर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। तो इसे आप पेज को आपको प्रॉपर पढ़ना है, एक बार इस पेज को आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर, आपको पूरा एक बार पढ़ना है, इसे पूरा ऊपर से नीचे पढ़ना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक करना है। स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो का प्रयोग करें, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट नंबर आपको ये पढ़ लेना है। फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें, अगर आपके पास फ़ोटो पहले से ही होगा उसे आप मोबाइल के थ्रू खींचकर फ़ोटो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप मोबाइल डाल सकते हैं, फ़ोटो यहाँ से डाल सकते हैं बनाकर। जो आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी उसी को डालना है। और आवेदन पत्र के साथ संलग्न फ़ोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए। अभी हस्ताक्षर भी आप कर लेंगे। ये सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप से सफ़ेद हो। आपने फ़ोटो खिंचवाई होगी वो वैसी बना के दिया होगा जो आपके पास है पहले से, आपने वो आपके पास होगी। जैसे आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए उससे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको टिक लगाना है। एक मैं ये सत्यापित करता हूँ, ये करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा 2020 राज्य सेवा वन परीक्षा 2020 में दी गई समस्त जानकारियाँ एवं शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं
और मैं यह वचन देता देती हूँ कि इनका पालन करूँगा करूँगी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पे टिक लगाना है, आपको यहाँ पे इसके बाद आपको नीचे आना और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। अब आप यहाँ से अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे स्वयं से बिना किसी गलती के साथ अपना रिलैक्स मोड में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपना पैसा आप बचा सकते हैं। जो भी 60-70 रुपये 100 रुपये लगता है चार्ज लेते वसूलते हैं ऑनलाइन सेंटर वाले, मुझे मालूम है। तो अब आप यहाँ से फॉर्म अपना भर सकते हैं। आयोजित परीक्षा का नाम आप चूज कीजिए, यहाँ पे आप बोथ, आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो आप बोथ सेलेक्ट कीजिए। अगर आप स्टेट फॉरेस्ट में पेपर देना चाहते हो आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 चुनिए। स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 देना चाहते हैं तो आप इसको चूज कीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ बोथ चूज करते हैं आप, तो इंजीनियरिंग वाले जो भी होंगे इंजीनियरिंग साइंस वाले वो बोथ चूज कर सकते हैं। कोई कॉमर्स बी ए स्टूडेंट हुआ वो यहाँ से चूज कर सकता है केवल स्टेट वाली। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे आवेदक का प्रथम नाम डालना है, आपको जो भी आपका नाम हो आपका आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का मध्य नाम डालना है। ठीक है, इसके प्रकार जानकारियाँ आप यहाँ भरते जाएंगे, सारी जानकारियाँ आप भर लेंगे। ये आप जानकारियाँ अपनी अपनी जानकारियाँ भरनी है। मुझे अभी फॉर्म अभी नहीं फिल कर रहा हूँ मैं, ये जब फॉर्म फिल करना होगा तो मैं अपना फॉर्म फिल कर सकता हूँ। आप भी अपना यहाँ से विवाह में संबंधित विवरण सारी जो भी जानकारियाँ हैं वो आपके पास हैं, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाते हैं आप जानकारियाँ ही तो बताते हैं, वहाँ पे वही जानकारियाँ आपको यहाँ अपने स्वयं भर लेनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे सारी जानकारियाँ आप ही के पास हैं, किसी और के पास नहीं है। सारी जानकारियाँ भरने के बाद आपको सीधे नीचे आना है, सीधे नीचे यहाँ पे आपका पूरा शैक्षणिक विवरण आपको देना है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक सारी। यहाँ पे आपको रोल नंबर अगर पूछता है तो भरना है, नहीं तो पूर्णांक प्राप्तांक कितने पैसा था आपने डिवीजन पाया नंबर्स पाए आपको सारे ये भर लेना है आपको। इस बात कहीं यहाँ आपको यहाँ पे टिक लगाने को अगर यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद सेवा का विवरण आया, कहीं आपने नौकरी की उससे पहले की कोई कहीं आपने एक्सपीरियंस है कोई किसी प्रकार का आपको है तो यहाँ पे आपको सेवा का विवरण देना है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो करते जाइए। जहाँ पे ऑप्शन आपको सीधे ऑप्शन पे मिलेगा वहाँ पे आपको ऑप्शन यस और नो का होगा। स्थायी पता आपको डालना है, यहाँ पे अपनी आपको फोटो लगाना है, फोटो भेजाना, अपलोड इमेज आपको गैलरी में आपकी फोटो होगी या फोटो आप कैमरे से खींच सकते हैं, बढ़िया आप फोटो बना सकते हैं। अगर फोटो बनाना कैसे है मैं आपको अब मेरी वीडियो में आप देखिएगा, मैं इसको फोटो बनाने वाली लिंक आपको एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कैसे आप फोटो अपनी बना सकते हैं। वहाँ से वो वाली लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, वहाँ से आप फोटो बना सकते हैं, अपना सिग्नेचर बना सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो भी जितनी भी पेमेंट है आप उसे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई इसमें ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है। इसके बाद ये आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका जो भी पेमेंट का ऑप्शन होगा वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी बड़ी इसमें वो नहीं, आप पैसा 60-70 रुपये 100 रुपये जो वसूलते हैं आपको वो बच सकता है दोस्तों। जिसे भी बचाना आप यहाँ से फॉर्म भर के अपना बचा सकता है पैसा, बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँचे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।